सूरज निकलता है पूरब की ओर से, नया साल मुबारक हो। हेलो दगड़ियों कंचो, तुम ठीक ही वेला, तुम नहीं तो तुम देखे सवाल पूछने ठीक ही वेला। स्वागत है तुम्हारे बैच चैनल स्मिता उत्तराखंड में। बड़ो तो यार नमस्कार, छोटो तो यार ढेर साल का दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हो सुबह आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नीचे बहुत अंधेरा हो रहा है, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो नीचे ना सृष्टि सो रही है, तो नीचे मैंने वीडियो शूट नहीं करा, तो मैं थोड़ा सा चल के ऊपर स्टूडियो में आ गई और स्टूडियो में वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ठंड में उठना भी है भाई, थोड़ा ब्लॉग बनाने की आदत हो गई है तो बना लेते हैं, टाइम पास हो जाता है हमारा भी, आप लोगों का भी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डेली रूटीन है जो हम लोग करते रहते हैं छोटा मोटा, बस वही देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। और कुछ स्पेशल है जो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी, बहुत ही स्पेशल है वो, और मेरी वो बहुत मेहनत लगी है उस पर, तो वो आप जरूर देखना, ठीक है? क्योंकि जब किसी चीज़ पर मेहनत करते हैं तो वो चीज़ जब निकल के आती है ना तो हमें बहुत सुकून मिलता है। तो बस वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी और दिखाऊँगी आपको, ठीक है? ठंड लग रही है, अब मैं जा रही हूँ नीचे। देखो टोपी भी पहन के आई थी ऊपर, सृष्टि सो गई है ना नीचे, देखो आवाज़ आ रही है ना बाहर अंटी और का, नीचे ना हमारी अंटी और का काम चल रहा है वहाँ पर मकान पे ना, तो वहाँ से आवाज़ आ रही है। सृष्टि नीचे सो गई है, उसके पेपर ख़त्म हो गए, तो आज फाइनली वो नहा धो के सो गई। ट्यूशन नहीं जाऊँगी, घर या छुट्टी करूँगी। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आज तू रेस्ट कर, बहुत दिन से तूने ज़्यादा पढ़ लिया, कहीं तेरे दिमाग पर नज़र ना लग जाए, आजकल बच्चे वैसे तो पढ़ते नहीं है। तो वो सो गई, तो मैंने सोचा उसको क्या डिस्टर्ब करूँ वहाँ पे, तो मैं स्टूडियो में आ गई यहाँ पे ब्लॉग बनाने के लिए। तो यहाँ पे सही उजाला भी आ रहा है थोड़ा बाहर से हल्का फुल्का, वैसे आज धूप नहीं आई है लेकिन हल्का फुल्का उजाला आ रहा है, तो मैंने कहा चलो यहीं पर शूट कर लेती हूँ वीडियो, और आगे की वीडियो आप देखते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है? ये देखो नहा धो के सो गई है, क्योंकि ये नहाई थी, इसने बाल धोए थे, अभी रजाई के अंदर सो गई। मैं कैमरा से कैसे हो रहा है देखिए फ्रेंड, जब भी हम रजाई में बैठते हैं ना कुछ लेके बैठते हैं। अभी पोटले देख सकते हो ना, आप सोच रहे होंगे इन पोटलों में क्या है, आखिर क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ पोटलों में क्या है। जब भी हम बैठते हैं ना सर्दी में रजाई के अंदर, तो ये पोटले लेके ही बैठते हैं, क्योंकि ना इसके बिना काम नहीं चलता। ये देखो ये देखो ये देखो, मूँगफली करारी करारी, और इसको खाने का सर्दियों में अलग ही मज़ा है, मूंगफली खाने का। तो मेरा कैमरा ना कुछ गड़बड़ा आ रहा है, मैं बताऊँ आपको, मेरे कैमरे में कुछ दिक्कत हो रही है। ये देखो उंगली मार मार के इसको सेट करना पड़ रहा है, नहीं तो धुंधला हो जा रहा है कैमरा। ये रही मूंगफली और ये रही दूसरी पन्नी, इस पन्नी में क्या है आपको दिखाती हूँ मैं। आपको भी खाना है तो आप भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ बैठ के मूंगफली और गुड़पट्टियों का आनंद ले सकते हैं। ये देखो ये है गुड़पट्टी, देखो देख रहे हो आप, और छोटा भी नहीं है, देखो ये देखो ये देखो। देखो फ्रेंड्स, आज मेरे एक जोड़ी जुराब दो थी, क्या बोल रही हूँ मैं, ठंड में मेरी जुबान भी लड़खड़ा गई। आज मेरे ना सर्दियों में ना मेरे जुराब भीग के सुबह सुबह सुबह, देखो और देख रहे हो नेन पेंट सारे उंगलियों में निकल रहे हैं, बस दो उंगलियों में लग रहे हैं, क्योंकि ना सर्दियों में पता नहीं चलता जुराबों के अंदर। तो पहले ना मैं जुराब पहन लेती हूँ दूसरे वाले निकाल के, मेरे को बहुत ठंड लग रही है, फिर मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाऊंगी आज। तो फ्रेंड्स, मैंने जुराब भी पहन लिया है और कैप भी पहन ली है, तो ये ब्लैक वाला ये मैं सोच रहा, मैंने ये पहले दिन भी यही पहना था और अभी भी यही पहना था, क्योंकि ये है बहुत मोटा और ना इसको तो मतलब जल्दी धोने का मतलब है, जल्दी सूखेगा भी नहीं, तो इसीलिए मैंने ये उतारा ही नहीं, फिर पहन के रखा है बस मैंने, ठंड लग रही है बहुत।
तो फ्रेंड्स मैंने पहन लिए हैं जुराब अपने, और मैंने एक पन्नी बना रखी है, उसके अंदर सारे सॉक्स होते हैं मेरे। तो जो गीले गीले पता क्या हुआ था, किचन में सुबह पानी था और मैं किचन में गई और वहां पे ना मेरे सॉक्स एकदम से पैर पड़ा और गीले हो गए। फिर मैं काम वाम करके रजाई के अंदर आ गई, मैंने सोचा चलो बाद में पहन लूंगी, तो अब मैं पहन लिया मैंने। और मैं आपको कह रही थी ना, मेरे को आपको कुछ खास चीज दिखा रही है। खास चीज पता क्या है कि मैंने कुछ समय पहले मैंने धनिया बोया था, धनिया छत पे, और वो धनिया कैसा हुआ है ग्रो मैं चलो आपको दिखाती हूँ। आपका भी मन खुश हो जाएगा कि देखो हम लोग दिल्ली में रहकर भी, हमारे पास खेती नहीं है, फिर भी हमने देखो कितनी अच्छी पैदावार कर रखी है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से, चलो मेरे साथ। चलिए फ्रेंड छत पे चलते हैं, यहाँ पे चप्पल निकाल लेते हैं, मैं चप्पल पहन लेती हूँ पहले, आपको छत पे ले चलते हैं सीधा, कैमरामैन सुनीता के साथ चलते हैं छत पे। यहाँ पे हमने सीढ़ी रखी भी रहती है ताकि खराब ना हो। चलते हैं ऊपर, फिर दिखाती हूँ आपको। चलिए फ्रेंड देखते हैं धनिया, तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे खेत का धनिया कितना अच्छा। और खैर मैंने इस बॉक्स पे लगा रखा है, ये थर्माकोल का है, तो यहाँ पे शहरों में तो कुछ है नहीं, ये गमले समले ही होते हैं, इस पर लगाना पड़ता है। तो इस पर मैंने धनिया लगा रखा है और इसके बीच बीच में यहाँ पे लहसुन लगा रखे, और आप धनिया देखो कितना ग्रो कर रखा है, ये देखो उस पर भी धनिया है। अरे क्या हो गया, वो भी धनिया है और ये लहसुन है, ये लहसुन लगा रखे हैं, धनिया लगा रखा है, यहाँ पे इतने सारे धनिया हैं, देखो कितने सारे धनिया। और दिखाती हूँ ये देखो प्याज, प्याज के पत्ते देखो कितने अच्छे अच्छे हो रखे हैं, इनको तोड़ने हैं मेरे को, बड़े हो गए काफ़ी, लटक रहे, इनको तोड़ूंगी फिर सब्जी या पकौड़े पे डाल दूंगी इनको, कितने सारे हो रखे हैं देखो। यहाँ पे भी मैंने लहसुन लगाए थे, अभी हो रहे हैं छोटे छोटे से। तो फ्रेंड्स छत से मैं जा रही थी नीचे, तो मैंने कैमरा रख लिया सीढ़ी में। तो बताइए आपको हमारी बागवानी कैसी लगी, धनिया अच्छे हो रहे हैं ना, देखा आपने कितने सारे घने धनिया हो रहे हैं। मैंने ऐसे डाल दिए थे बीज, लेकिन बहुत अच्छे हो गए ग्रो, थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो चट्टी के लिए तोड़ेंगे, लहसुन के पत्ते भी। और आपने प्याज देखा, प्याज कितने अच्छे हो रहे हैं, तो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करना और बताना जरूर, ठीक है ठीक है। किचन में दिखाती हूँ आपको, लाइट जला दूं, तो किचन में बर्तन तो धुले ही रखे हैं, सब्जी बनी रखी है। आज मैंने ना सब्जी प्रेशर कुकर में बनाई जल्दीबाजी में, प्रेशर कुकर में ना जल्दी बन जाती है और गैस की भी बचत हो जाती है। बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि हमें गोभी ढूंढने पड़ते हैं, गोभी कहाँ है, क्योंकि गोभी नज़र आती नहीं है, गोभी बिल्कुल घुट जाती है कुकर में। लेकिन सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, देख सकते हो आप इसकी शक्ल, ये देखो सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। और अभी भी हमने नाश्ता कर लिया है, फिर भी सब्जी देखो कितनी रह गई। तो दिन में खाएंगे तो यही खा लेंगे हम, दो दो रोटी बना के, तो ये सब्जी बची है हमारे ही अभी। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नीचे और मैंने खाई थी मूंगफली, मूंगफली खा के ना प्यास लग जाती है। वैसे पता क्या है, सर्दियों में हम पानी बहुत कम पीते, लेकिन सर्दियों में हमें पानी खूब पीना चाहिए, और अक्सर हम सर्दियों में ही लापरवाही करते हैं, और सर्दियों में हम क्या करते हैं, इतना खा लेते हैं लेकिन पानी नहीं पीते। तो पता क्या होता है, आप मूंगफली खाओगे ना, मूंगफली रेबड़ी वगैरह, तो ये गर्म होती है, आप जैसे इनको खाओगे ना आपको उसके बाद प्यास लगेगी, और प्यास इतनी अच्छी लगती है ना, मतलब वो पानी ठंडा इतना अच्छा लगता है ना उस टाइम पे। तो मैंने मूंगफली खाई थी और मैं थोड़ा घूम घाम के आई बाहर से, अभी थोड़ा उधर से टहल टहल के, तो बस मेरे को ना प्यास लग गई है, मैं पहले पानी पी लेती हूँ पहले। आप भी पी लो पानी, सर्दियों में पानी पीना चाहिए, लो 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 ये लो। फ्रेंड्स पानी पी लिया मैंने ठंडा ठंडा, और मुझे बोतल में पीने में मज़ा आता है, ठंडा भी रखा है और गर्म भी रखा है ये देखो। लेकिन ना मेरे को ठंडा पीने का मन कर रहा था, गर्म में तब पीती हूँ जब दवाई खाती हूँ, तो पानी वानी पी लिया, पानी पी लिया है, दवाई नहीं खाई आज, बीपी की दवाई रह गई। अब बोल ये मत बोलना बीपी भी है आपको,
मुझे सब कुछ है। बस ये कि यही तो जिंदगी है, लड़ते रहो दुखों से और जीते रहो, बढ़ते रहो आगे, क्योंकि आपका दुख आपका है, सिर्फ आपका। तो दवाइयाँ खाओ, खुश रहो और स्वस्थ रहो। जरूरी नहीं है बिना दवाई के, तो आजकल कोई जी ही नहीं रहा है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ दवाई जरूर खाता है, तो मैंने अभी दवाई खाई नहीं फिलहाल, अभी दवाई खाऊंगी पहले। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि 2 दिन बाद आने वाला है हैप्पी न्यू ईयर, तो नया साल आने वाला है, तो आप लोगों ने भी बहुत सारी तैयारी करके रखी होगी कि आप नए साल पे क्या करोगे क्या नहीं करोगे। फ्रेंड्स, मैं नए साल पे यूट्यूब पे बहुत और मेहनत करूंगी ताकि वीडियो अच्छी चलने लग जाए। वैसे तो मैं 3 साल से कर ही रही हूँ, मेरे लिए तो नया साल हर बार ही आ रहा है, लेकिन इस बार भी मैं और मतलब अच्छे से मेहनत करने वाली हूँ। आई होप ऐसे करते नहीं ऐसे करते कैसे करते फंड फूको जनि बिकाल इनके करना हूँ। हाँ, तो नए साल पे आप लोगों ने भी प्लानिंग कर ली होगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी फैमिली की ओर से एडवांस में ही हैप्पी न्यू ईयर, और हैप्पी न्यू ईयर में मैं चाहती हूँ कि आपकी फैमिली में बहुत सारी बरकत हो, आप कभी दुखी ना रहे, बहुत खुश रहे, और आपके घर में कोई बीमार ना रहे, सबसे मेन बात कोई बीमार ना रहे, सब सुखी रहे, बच्चे खूब पढ़े लिखे, अच्छी जॉब करे, और जिनके रिश्ते शादी वादी होनी है सब नए साल में हो जाए, और खुशियाँ ही खुशियाँ आए फ्रेंड्स। और नए साल में ना हमें तब मज़ा आता था जब हम स्कूल में हुआ करते थे और ग्रीटिंग कार्ड बनाया करते थे। अब तो ग्रीटिंग कार्ड का ज़माना ही चला गया है, तो ग्रीटिंग कार्ड में शायरी होती थी ना, शायरी पुरानी वाली, तो जैसे बोलते थे, सूरज निकलता है पूरब की ओर से, नया साल मुबारक हो मेरी ओर से। सुना है आपने ये वाला, कितना पुराना है ना ये, और क्या क्या होते थे, और बहुत सारे होते थे। मुझे तो यही याद है कि यही वाला जो भी आपको सुनाया मैंने, कि सूरज निकलता है पूरब की ओर से और नया साल मुबारक हो हमारी ओर से और मेरी फैमिली की ओर से। तो फ्रेंड्स, बस 2 दिन बाद नया साल है, तो देखते हैं नए साल पे कौन सी वीडियो नहीं आएगी आप लोगों के लिए। और छोटी सी आपके लिए वीडियो बनाई है, बोर नहीं होंगे इसीलिए इतनी ही बनाई, और पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सपोर्ट बनाए रखना, और नए साल पे अच्छा सपोर्ट करना एक दूसरे का, ठीक है? खुश रहना, हैप्पी रहना, बाय बाय, टेक केयर।